हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग फ़ोन है तो सैमसंग फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में टैल्क बैक ऑप्शन है तो टैल्क बैक ऑप्शन को आप कैसे इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में टैल्क बैक ऑप्शन है तो टैल्क बैक ऑप्शन को कैसे इनेबल कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना होगा एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पे। क्लिक करते ही एक्सेसिबिलिटी सेटिंग ओपन हो गया, फिर आप किस पे जाना है और यहाँ से टैल्क बैक को इनेबल कर देंगे। इनेबल करते ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या से आप डबल क्लिक करते तो बैक हो जाता है और टू फिंगर जरिए स्वाइप कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप टैल्क बैक ऑप्शन को इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।